अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से, आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। माफ कीजिए उर्वशी जी, मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं करा सकती। ऐसे कैसे नहीं होगी शादी? आप लोगों के परिवार में प्यार से दुश्मनी की परंपरा है क्या? पहले भी आपने मेरे और क्या हो गया आपको? प्लीज काम डाउन, प्लीज रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं
मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आंटी, मैं आयुष्मान से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, हमारी शादी करा दीजिए। आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होने दो। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन शादी के लिए प्यार के साथ साथ कुंडली का मिलना भी बहुत जरूरी है। और तुम जानती हो कि तुम्हारी कुंडली में दोष है। बच्चों की कुंडलियां नहीं मिलती तो क्या हुआ? उनके दिल तो मिलते हैं, उनके हाथों की लकीरों में एक दूसरे से मिलना तो लिखा है ना। आशंभरी आलिया बेटी कुछ घंटे बाद पैदा हुई होती तो सब कुछ बदल जाता, सारे ग्रह बदल जाते। क्या, कुछ घंटे बाद? लेकिन पंडित जी तो कह रहे थे कि काफी महीनों का फर्क है। नहीं नहीं, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है? हम कहीं गलत कुंडली तो नहीं दिए हैं? एक मिनट, हम अभी आते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। बुखार तो नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। सिर की चोट के लिए इंजेक्शन दे दिया है मैंने, जल्दी होश आ जाएगा और ठीक भी हो जाएगी। पर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कहना से प्यार करने और शादी करने वाली बात सिर्फ उसे शक्ति सिंह से बचाने के लिए कही थी। पर अब आपको शक्ति सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। शहर की पुलिस पकड़ के ले गई है उसे, मैंने बुला लिया था उन्हें। वो फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और आप इस घर की सबसे बड़ी सदस्य होकर अपनी पोती की जोर जबरदस्ती से शादी करवा रही थी। शर्म आती है मुझे सोचकर कि आप जैसी औरतें औरतों की दुश्मन है। उम्मीद है आगे से आप अपनी पोती की इच्छा मानेंगी, उसे मारेंगी नहीं। चलता हूं। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। डॉक्टर बाबू तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तो काफी है। जी, ये कुंडली तो अति उत्तम योग वाली है। आर्या बेटा के सारे ग्रह आयुष्मान बेटा के लिए बहुत ही शुभ है। ये समझ लीजिए कि ये कुंडली नहीं है बल्कि आयुष्मान बेटा का रक्षा कवच है। माफ कर दीजिए, गलती हमसे हो गई थी। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, जल्दबाजी में मैं रिश्ते के लिए मना करने चली आई। नहीं नहीं आंटी, आप तो आयुष्मान का भला चाहती हैं, और वैसे भी आयुष्मान की जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए भी और कुछ नहीं। हो, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बस माइल कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। माफी तो मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी हाथ जोड़कर। बुआ जी, रहने देते हैं ना, हम सब घर के ही तो लोग हैं। बहन, वैसे भी आंटी तो घर की बड़ी है ना। बड़े हो या छोटे, यदि गलती का एहसास न कराया जाए
तो गलती आदत बन जाती है। दीदी मैं से बोलो नहीं सुनो। पड़ गई कलेजे में ठंडक, एक अजनबी लड़के के सामने हमारी बेइज्जती करवा के। तुझे क्या लगता है सब कुछ ठीक हो गया? कछु ठीक नहीं हुआ है। वो शक्ति सिंह आज नहीं तो कल जेल से वापस आएगा। अरे वो भेड़िया है भेड़िया, और भेड़िया अपना रूप तो बदल सकता है लेकिन अपना इरादा नहीं बदलता। और अब तो वो घायल भेड़िया है और भी खतरनाक होता है। पता नहीं जब वो वापस आएगा जेल से तो क्या हाल करेगा गहना का और साथ में हमारा भी। तुम्हारी दादी ठीक कह रही है पर हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। उस शक्ति सिंह जैसे भेड़िया से बचाने के लिए हम आज ही तुम्हारा डॉक्टर बाबू से शादी करवाएंगे, चाहे पकड़वा शादी ही काहे नहीं करवानी पड़े। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।